सोने आ गई हूँ अभी, और मैं आज यहीं पे पापा मम्मी के साथ सोऊंगी। पापा मम्मी अभी किचन में या ताऊ ताई वगैरह के पास बैठे हैं, सभी लोग, वो लोग बैठे हैं। भाई भी सोने चले गए हैं, मैं भी सोने आ गई हूँ। मैं सोऊंगी आज यहीं पे मम्मी पापा के साथ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड नाइट। अभी मैं मतलब नहाने जा रही थी, तो मैं कपड़े निकालने आई, तो मुझे मम्मी के अलमीरा में क्या दिखा, मैं दिखाती हूँ आपको। देसी पेरेंट्स कैसे होते हैं, ये देखो। ताकि उनके बच्चे मेहमानों के लिए कुछ रहने दे, गेस्ट के लिए कुछ रहने दे, तो छुपा के अपनी अलमीरा में रखे हैं। काफी समय से चलता आ रहा है इस घर पे। ये सुन तो उनकी, ये ना कच्चा है, उबालना ही है ना। अच्छा, चलो मैं अभी चलती हूँ बाहर झाड़ू लगाने। आना मैं भी जी फिर, है ना। और ठीक है, अभी मेरे को ना यहाँ पे आंगन में हल्का हल्का सा झाड़ू मारना है, झाड़ू लगाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अभी हवन होगा। दिखा तुझे, खाना बन रहा है ना, ये देखो। यहाँ पे पूड़े बनेंगे जी। ये वाला घर होता था ना हमारा, ये हमारा गेस्ट रूम होता था, यहाँ पे ऊपर दादी का रूम होता था और हम लोग, और इसके नीचे वाले रूम में जहाँ पे खाना बन रहा है। नमस्ते दादा जी, जान नमस्ते आठी को। और जो इससे नीचे वाला रूम था जहाँ पे अभी स्टोर बन चुका है, वो पापा मम्मा का रूम होता था, और वहाँ पे भी खाना बन रहा है। और यहाँ पे बाहर बन रहा है पूड़े, और यहाँ लग रहा है झाड़ू। फटाफट एक काम खत्म करो, फिर दूसरा काम मिलेगा। अंगी वाले जा रहा है लस्सी का अंडू को नीचे जहाँ पे खाना बन रहा है, क्योंकि बना रहा है कड़ी, है ना। और यहाँ ताई जी है, ताई जी भी कर रहा है कुछ। जहाँ बन रहा है नहीं है, नहीं गर्म नहीं। नमस्ते पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। तैयारियाँ चलिए जोरों शोरों से। नमस्ते भैया, नमस्ते। यहाँ देखो गाइस, यहाँ बन रहा है पूड़े। पापा को पूछूं, तू भी बना रहा है पूड़े। मिस्टर रितेश भैया गांव के एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पे। जब भी कोई मतलब फंक्शन होता है ना गांव में, तो फिर मतलब गांव वाले लोग ही बनाते हैं खाना। ये वो है, वो गरी गरी का बुरादा। अच्छा, क्या बोलते भैया इसको, जलेब। जलेब यहाँ पे, जलेब यहाँ पे, पूड़े बन रहे हैं, और फाइनल रिजल्ट झालर आ रही पूड़े में, बीच में। हाँ, बीच में पूड़े के बीच में झालर आ रही। क्वालिटी का पूड़ा होता है। अच्छा, मतलब जो फूलता है वो अच्छी क्वालिटी का पूड़ा होता है, जिसमें साइड में धारी आती है, जिसमें साइड में धारी, झालर बोलते हैं, झालर बोलते हैं जिसको। हाँ जी, हमारे सबके फोटो लेंगे ना। हाँ हाँ, ताऊ जी आपका फोटो भी आ रहा है। बोलोगे कुछ आप? बोलना क्या मैंने, कुछ भी तो नहीं बोलना मैंने, फोटो जरूर आना चाहिए इसमें। ताऊ जी आपका फोटो तो सबसे ज्यादा आ रहा है। नमस्ते ताऊ जी, ठीक है। यहाँ पे धनिया कट रहा है दाल सब्जी के लिए। ताई जी आ गए हैं, ठीक था जी। चलो अंदर, चलो 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 भाई। ये कौन थे, ये तो आशा मामी, आपकी मम्मी नहीं है ये? तो मैंने तो ताई जी बोला, मैंने कब बोला उन्होंने, रस्ते में। चलो, कन्या जी मानी थी, ठीक है अभी जी आ जाओ फिर। तो गाइस, अभी हवन समाप्त हो चुका है, और अब हम जमाएंगे कन्या, है ना। क्या कन्या को खाना खिलाएंगे, और दो कन्याएं तो यही है जो ऑलरेडी खा रही है पूरा। अरे, कानों में कब लगाया ये? हमने शिवरात्रि को। दर्द तो नहीं लगी थी? लगी थी। हमने जूस भी दिया था, बिस्किट भी दिया था। सच्ची? फिर ठीक हो गई थी जूस और बिस्किट खाकर, है ना। हाँ, उससे ठीक हो जाती है। कन्या जी मारे, अब हम यहाँ पे मम्मी, जो वहाँ से उठेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे। लंच वहाँ पे चल रहा है लंच। ये हमारे गांव की थानी है, पूरे गांव में जब भी कभी फंक्शन होता है, इसी थानी में खाना खिलाया जाता है सभी को। कैसे लग रहे हैं पूड़े? क्या था ये सभी? यहाँ पे वापसी के घर के लिए सबके लिए खाना पैक किया जा रहा है यहाँ पे, और किचन पूरी फुल है, रूम भी पूरा फुल है। पानी का ग्लास पीने के लिए।
चलो सच। अब मैं आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ, पूरा फुल हो चुका है। हेलो, हम पहुँच चुके हैं अभी सड़क के पास और बस में सामान देना है सुलेन के लिए, थोड़ा बहुत कुछ तो उसको उसी को छोड़ने आए थे हम, है ना हेलो। A few minutes later. मैं वापस घर और मैं आपको अली का स्ट्रगल दिखाती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जोर से जोर से जोर से करना है, जोर से। हाँ हो ही नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हो गया हो गया। क्या स्टडल भी आपका? ठीक है आपको स्टडल भी दिखाती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हुआ 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 अली, हुआ ऊपर हुआ है ना। देखिए गाइस, आज हमने बहुत बढ़िया पूड़े खाए हैं, तो बहुत मस्त थे वो। आपको इतने बढ़िया पूड़े लगेंगे वो गाइस कि आपको वो पूड़े बहुत पसंद आएंगे। अच्छा, पूड़े के साथ हमने मीठी मीठी चटनी भी खाई, मीठी और तीखी तीखी मिला। मटर पनीर खाया हमने, इधर भी सांप रहता था, और दाल खाई हमने, पनीर खाया, करी खाया पकौड़े वाली, इतना स्वादिष्ट खाना आज से पहले कभी नहीं खाया। ओके बाय। मुझे नाना हुए अल्लाह बाबा। अच्छा बस वो आगे करने लगो, फिर नहीं दिखाओगे कार्टून? अच्छा एली मना कर रही है कार्टून देखने के लिए। अच्छा एली ने, अच्छा देखना है। अच्छा आ तो लगाते 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 लगा रही हूँ लगा रही हूँ। ये वाला कार्टून कौन सा वाला? कौन सा कार्टून देखना है एली ने? वो सिंड्रेला वाला? फिर लगा दिया है मैंने। अरे मेरा बच्चा। अच्छा पहले सुनो 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 पहले सुनो सुनो तो फिर लगाऊंगी ना। अगर सुनोगे नहीं, लोग देख रहे हैं इतने सारे, अगर आप सुनोगे नहीं ना तो फिर तो मैं लगाऊंगी नहीं। पापा आपको पता पापा ने क्या बोला था कि अली अली को कार्टून नहीं दिखाना और फोन मत दिखाना, ऐसे बोला था। गले लगाओ, बहुत याद आ गई। सच्ची बोलूँ अब मैं सच्ची बोल रही हूँ, सच्ची बोलूँ, प्रॉमिस देखो, प्रॉमिस सच्ची बोलूँ। Hours later. हमने भी सारी सफाई कर ली है, सभी लोग चले गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थकान, मतलब नेक्स्ट लेवल थकान हो रही है आज तो। और अभी मम्मी ने मुझे एक काम बोला था करने के लिए, मतलब लस्सी बना रहे थे तो वो मक्खन निकालना है इसमें, बटर निकालना है इसमें से। ये मक्खन निकालने के लिए ना पहले हमें पानी गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब मक्खन निकाल रही हूँ ना तो मक्खन निकालते ना ये हाथ में चिपक जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें साथ में रखना पड़ता है गर्म पानी, और गर्म पानी में हाथ डिप करना पड़ता है, और हाथ डिप कर लेंगे तो हम फिर से जब मक्खन निकालेंगे तो हमारे हाथ में मक्खन नहीं चिपकता है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ मक्खन कैसे निकालते हैं। बट आई थिंक ये ज़्यादा बन गया है थोड़ा मक्खन, इसमें मम्मी ने ना थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल दिया था। यूँ मक्खन हमारा निकल चुका है और अब हम जलाएंगे थोड़ी सी देर में आग, और अभी मैं जाऊंगी बाहर। भैया और बैठे हैं सारे, मतलब निखिल भैया और सात्विक भैया बैठे हुए हैं बाहर, अभी काम कुम करके, मतलब जहाँ पे खाना वगैरह बनाया था वहाँ पे सारी सफाई करके। शगुन वो ही नहीं बोला कि थोड़ा सा डांस कर देगी, उसके बाद मेरे साथ खेलेगी। देखो बुआ यहाँ क्या कर रही है। बुआ तो काम कर रहे हैं। चलो जी चले बाहर, अब हम आग जलाएंगे थोड़ी सी देर बाद। अभी कजन से फ्री हो गए, बाहर चलते हैं, बाहर भी हो रहे हैं काम करके, वो लोग फ्री हो गए तो चलो बाहर चलते हैं। आखिर से ना इस एंगल से फोन पकड़ा है ना कि मजा ही आ गया है। ऐसे बोलो ये हम हैं, ये भैया, ये चाचू और है, ये चाचू और वेदिका है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ खेल रहे हैं, हम झूला झूल रहे हैं, है ना लड्डू? हाँ जी।
यहाँ मिठू डांस करके दिखाएगी आकृति आपको। आकृति इतना अच्छा डांस करती है ना, इतना अच्छा डांस करती है। सॉन्ग मैं गाऊंगी ना सॉन्ग। चलो वहाँ पे कौन सा सुन ली ठीक है। चलो वहाँ जाओ खड़े तो मैं तो वीडियो बनाऊंगी ना पहले, ठीक है फिर देखेंगे। तब आप करना। हाँ फिर आप, फिर मैं करूंगी। सुन ली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, सुन ली नैना विच तेरा नाम वे मुंडिया, हमेरे सुनने पैर तो जाना रेंदा शहर, बहुत मंग दी मैं थोड़ा ले दे जांजरा दा जोड़ा। वाह वेरी गुड इतना ही आता मेरे को बेटा। यहाँ पर है मम्मी और यहाँ पर हूँ मैं, और मैं और मम्मी जा रहे हैं गाय के पास। और मेरे पास बकेट भी है ये गाय के लिए, गाय का खाना और दाना बोलते हैं जिसको। मैं सुबह भी जा रही थी मम्मी के साथ ओबरे के पास गाय के पास, तो मम्मी ने बोलते कि नहीं तू घर में रह और घर में कर दे मुझे सफाई और मैं जाऊँगी। मैं कहा चलो ठीक है, पर फिर रात को मैं भी जाऊँगी आपके साथ। तो फिर मैं अभी मम्मी के साथ आई हूँ और नमस्ते हावी जी, नमस्ते हावी जी। नहीं मनी नहीं हुआ हावी जी, कल जाना है कल जाना है शाम को सुबह ही जाना है। अच्छा आप भी जाना हो। आज मैं कितने टाइम बाद दूरी हूँ गए, शायद तीन चार महीने बाद गाय दूधी हूँ मैं। ये वाली तो नहीं मैं गूंज सकती, दू सकती ये वाली गूंजूंगी, ये वाली गूंज। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। ये वाली दूंगी एक। पर ये दूध ही नहीं दे रही है गाइस, खत्म हो गया दूध। बच्चों तुमने पी लिया दूध? ये तुम्हारी मम्मा गाय क्यों दे दिया है? क्या बोला तूने? तुम्हारी मम्मा दूध क्यों दे दी है? मैं लोगों को ना गाय नहीं दिखा सकती, इनका फेस दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अंधेरा और मेरे फोन में चार्जिंग भी बहुत ज्यादा कम है, फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं होती है। 10% से कम चार्जिंग है मेरे फोन में, क्योंकि मैं एडिट करी थी ना व्लॉग इसीलिए। दिख रही? हाँ मैं भी दिख रही हूँ और मैं गाय दूर ही हूँ, बट आज गाय थोड़ा दूध कम दे रही है। और इसको गाय दूने नहीं आती है? मेरे को गाय दूनी आती है, मैंने 3 महीने से नहीं दूई, इसलिए थोड़ा आज डिफिकल्ट। इधर को है इसमें एंगल ही नहीं। देखो मैंने चारों थंदू लिए, इसका दूध कितना दिया इसने, इतना इसमें मत दिखा। आज शगुन दीदी, आज शगुन दीदी के हाथों से गाय दूध नहीं देगी। शगुन दीदी के पास परे वाली दूधी नहीं, वो तो मारती है पागल। तब वो देंगे उसको? मम्मी देंगे तो मैंने ना अभी गोबर निकाला और मैं हाथ धो रही थी, मेरे हाथ फिर से साफ हो गए। मैंने ऐसा सुना है कि अगर गोबर टच करते हैं तो हाथ साफ हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं हाथ। मैंने तो बचपन से लेकर निकाला गोबर मेरे तो लड़कों के हाथ कुछ अलग होता है ना, तेरा हाथ ज्यादा सुंदर है मेरा हाथ। लड़कियों का होता ज्यादा सुंदर, बट ये मेरे पास दोनों हाथ है, ये लड़कियों वाला ये लड़कों वाला। मतलब ये मर्द की तरह दिखता है थोड़ा मेरा हाथ। सुंदर नहीं है ये हाथ, ये वाला फिर भी ठीक है। मैं ये श्योर नहीं हूँ मैं कि ये वाली क्लिप्स में डालूंगी कि नहीं डालूंगी। क्यों ऐसी? अच्छा